दो भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना, देवरिया की जब घटना हो गई विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था, 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से, ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया, अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे, रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में, सोचिए आप।